नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। दो दिन बंद पड़े एटीएम आज खुले। देश भर में एटीएम के बाहर लगी लोगों की लंबी कतारें, लेकिन कई जगहों पर मशीन नहीं चलने से फूटा लोगों का गुस्सा। आज से 18 नवंबर तक एटीएम मशीन से निकाल सकते हैं 2000 रुपए। डीएनडी टोल प्लाजा पर सुप्रीम कोर्ट ने सीएजी को दिए ऑडिट के निर्देश, कहा 4 हफ्ते में सौंपे रिपोर्ट, अगले आदेश तक डीएनडी रहेगा टोल फ्री। एटमी नीति पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का चौंकाने वाला बयान, कहा भारत है परमाणु संपन्न देश, पहले परमाणु हथियारों के इस्तेमाल न करने की नीति में खुद को बांधना नहीं चाहिए। वही रक्षा मंत्रालय ने इसे पर्रिकर की निजी राय बताया। गाजियाबाद के साहिबाबाद में लैदर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 13 लोगों की मौत जबकि 14 घायल। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। पीएम मोदी की जापान यात्रा के दौरान आज एटमी डील पर रहेगा जोर, व्यापार, निवेश व सुरक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा संभव। इससे पहले पीएम मोदी ने व्यापारियों को दिया निवेश का न्योता। और अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की वर्तमान राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात। मुलाकात के बाद ओबामा ने कहा, अमेरिका के बेहतर भविष्य के लिए हम साथ साथ। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।